Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 14. Question is, what is the quotient and remainder? Quotient and remainder kya hoga when 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 is divided by x square plus 3x plus 1. तो ये डिवीजन प्रोसेस से होगा, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से. तो इसके लिए अब मैं क्या ले लेता हूं, लेट पी एक्स, एक पॉलिनोमियल पी एक्स जो हमारा जिस चीज को डिवाइड करना है, ये मैं पी एक्स के इक्वल ले रहा हूं. अब बाकी दूसरे को मैं जी एक्स ले लेता हूं एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नाउ ऑन डिवाइडिंग px by gx, px को gx से जब आप डिवाइड करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पे हम अप्लाई करेंगे. उसके लिए आप इस तरह से लिख लीजिए 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस तरह से. देन उसके बाद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नाउ अब आप देखिए, सबसे पहले यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है px की, यानी जो डिविडेंट है ये x टू द पावर 4 है और डिवाइजर की एक्स स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर को एक्स टू दी पावर 4 बनाना है तो आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना होगा, साथ ही कोफिशिएंट 3 भी चाहिए तो 3 से भी मल्टीप्लाई कराना होगा. तो ये आ गया 3x स्क्वायर. अब 3x स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो कितना आएगा 3x टू दी पावर 4. साथ ही इस 3x स्क्वायर की जितनी भी टर्म है यहाँ पे डिवाइजर में 3x प्लस 1 उन सब में होगी, तो 3x में कराएंगे तो कितना आएगा 9x क्यूब, उसके बाद 1 में कराएंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर, ये आएगा आपका. अब नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे. तो सब्ट्रैक्शन कराने पे कैंसिल आउट, 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब कितना आएगा माइनस के 4x क्यूब, उसके बाद माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 एज इट इज आएगा. नाउ अब आप देखिए, आपको x स्क्वायर क्या बनाना है माइनस के 4x क्यूब, तो आपको माइनस का 4x से मल्टीप्लाई कराना होगा यहाँ पे, कराइए. नाउ माइनस 4x यहां पर आ गया, माइनस 4x की x स्क्वायर में होगी तो माइनस के 4x क्यूब, उसके बाद प्लस 3x में कराएंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस का 4x. नाउ सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, प्लस प्लस प्लस, सब्ट्रैक्शन से साइन ऑपोजिट हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस के 10x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर, ये कितना आएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2x प्लस का 4x, ये कितना आ जाएगा 6x, देन प्लस 2. अब आपको x स्क्वायर को क्या बनाना है, 2 बनाना है, 2x स्क्वायर, तो प्लस 2 से आप करा दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x कितना आ जाएगा 6x प्लस का 2. सब्ट्रैक्शन कराने पर माइनस माइनस माइनस, नीचे वाली जो ये एक्सप्रेशन है उसके साइन ऑपोजिट कर देते हैं, तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल आउट, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आया 0. तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू 0 आया, और जो क्वेश्चेंट हमें निकालना था क्वेश्चेंट कितना आया, क्वेश्चेंट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज आवर क्वेश्चेंट.